हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी ब्लॉग पर। बहुत बहुत स्वागत है डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो मखाने की चाट है वो किस तरह से तैयार की जाती है और इसको तैयार करने में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस तरह से इसको बनाया जाता है। जो मखाना होता है वो काफ़ी पौष्टिक पदार्थ होता है, अनेक तरह के जो पोषक तत्व है वो इससे हमें मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो मखाने की चाट है उसको तैयार करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको तैयार करने के लिए मखाने लेंगे और थोड़े से प्याज हमने यहाँ पर काट कर तैयार कर लिए हैं और मटर ली हैं और टमाटर और हरी मिर्च को मैंने एक साथ कट कर लिया है। ये पीनट है और एक नींबू और थोड़ा सा हरा धनिया, ये इन चीज़ों की ज़रूरत हमें जो मखाना चाट है उसको तैयार करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब सीखते हैं कि जो मखाना चाट है वो किस तरह से तैयार होती है। तो चलिए आइए सीखते हैं जो मखाने की चाट है वो किस तरह से तैयार। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक चम्मच घी लेंगे और जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा उसमें हम मखानों को हल्का हल्का सेक लेंगे। धीरे धीरे इनको हमने चलाते रहना है और हल्का हल्का इनको सेक लेना है। दो या तीन मिनट में ये सिक कर तैयार हो जाएंगे। टमाटर और हरी मिर्च वो भी मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। और अब हम लास्ट में इसमें जो पीनट थी वो मिक्स कर देंगे। बच्चे इसको बड़े खुश होकर खाते हैं तो आप बच्चों के लिए इसको घर पर बना सकते हैं। और अब इसमें हम जो नींबू है वो निचोड़ेंगे, नींबू मिक्स कर देंगे अच्छे से। नींबू को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा।
और बाद में इसमें हम जो हरा धनिया है वो मिक्स कर देंगे। और जो आपकी मखाने की चाट है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए गाइस, हमारी जो मखाने की चाट थी वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेकर इसको खाते हैं, तो आप बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं, बड़ों को बनाकर खिला सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर आपने घर पर इसको ट्राई किया है तो ये कैसे बनी है, और कमेंट करके मेरे को ये भी बताइएगा कि जो आज का वीडियो है वो आपको कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज इस डिश को जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि जब आपने घर पर बनाई तो बच्चों को बड़ों को ये कैसे लगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज के साथ। तब तक सभी को बाय।